हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम पारुई, आप लोग जानते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ सर के इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ। वो आप लोग पहले जो CIFP जो वीडियो छोड़ा है हमने, कलकत्ता इंस्टीट्यूट का यहाँ का मेन ब्रांच है, वहाँ का हेड प्रिंसिपल है, वो साइंटिस्ट का इंस्टीट्यूट है। सर आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर BK महापात्र, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, हमारा ICR का इंस्टीट्यूट है, ICR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन। यहाँ हेड क्वार्टर है मुंबई, हमारा एक रीजनल स्टेशन है, यहाँ मैंने यह काम किया। मेरा और बहुत लोगों ने, मेरा जो सब्सक्राइबर है वो लोगों ने बोला है, आपको जानते हैं वो लोग? जानते हैं। हाँ, अच्छा, इतना है। ये सर के वहाँ पे स्टूडेंट लोगों का मतलब ट्रेनिंग भी होता है वहाँ पे। बहुत लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आप ट्रेनिंग देंगे। सर के वहाँ पे ट्रेनिंग होता है, किसी को अगर कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे मछलियों का, प्लेट फिश का, बहुत मछली का ब्रीडिंग भी दिखाते हैं ये लोग, हाथ में पकड़ के सिखाते हैं सर लोग। वो हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इसीलिए हम लोग को सब ट्रेनिंग देता है। स्पेशली वहाँ हमारा रंगीन मछलियाँ का, ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग का, वो हम लोग ट्रेनिंग देता है। ऑर्नामेंटल फिश कैसे ब्रीडिंग करना है, उसको फार्मिंग करना है, वो दिखाते हैं। और ये बता दीजिए कितने दिनों का कोर्स करना पड़ता है? कोर्स तो एक तो बेसिक कोर्स का 7 डेज का होता है, हमारा 7 डेज का कोर्स है, 45 डेज का कोर्स है। तो अभी जैसा एक हम लोग 90 डेज का कोर्स भी इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। जो लोग यहाँ पे नए हैं, जो लोग फिश फार्मिंग करना चाहते हैं, वो लोग पहले यहाँ पे कोर्स कर सकते हैं, वहाँ से सबको जानकारी, पूरा जानकारी मिल जाएगा। हाँ, एक्चुअली बेसिक जो चीज़ है सब कुछ हम लोग दिखा देता, मछली का कौन सा क्या खाना है, क्या उसका पानी चाहिए, क्या pH मेंटेन करना है, किसका कौन कार्निवोरस है, कौन हर उसका ये है कंपैटिबल है, कौन नहीं रह सकता, अलग अलग से रखना होगा, कौन दोनों मछली में फाइट करता, वो भी है, दो मेल हो तो फाइटर फिश का आपको मालूम है, जो दो किना दो मेल फाइट करता है। इवन ऐसा भी और बहुत सारी मछली है, कोई कोई मछली जैसा है वो ये मेल फीमेल मेल को टॉलरेट नहीं कर सकता, ओनली दे आर एक्सेप्टिंग ड्यूरिंग ब्रीडिंग, और ब्रीडिंग हो जाने के बाद वो मेल को मार भी देंगे, ऐसा ही है। तो वो चीज़ को सब कुछ हम लोग को थोड़ा बिहेवियर उसको पता करने के लिए, कैसे उसका खाना का भी टाइप क्या होता, और अनदर चीज़ जो होता इसको मछली का बैठने का भी होता, फास्ट जो उसको एक्लिमेटेज करना है, कोई नेचर से पकड़ करके इनिशियली जो हम लोग इंडिजिनस का हमारा मछली है उसको, तो हैबिटेट का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसको मतलब एक्लिमेटाइज करने के लिए, नहीं तो इसका हो जाता। और अभी जो हमारा जो एक्जोटिक जो है, जो बाहर से हम लोग लाता, ये बहुत दिन पहले हम लोग नेचर से विड्रॉ कर लिया करके हम लोग जो अभी तो डोमेस्टिकेशन हो गया, लेकिन हमारा नेटिव फिश को भी वो भी कैसे कराना है, क्योंकि हमारा इंडिया में भी इतना बहुत सारी मछली जो है इंडिजिनस ऑर्नामेंटल फिश, दैट इज़ ए वेरी रिच रिसोर्स, अराउंड 400 हमारा ये का मीठा पानी की मछली है, 700 से ज़्यादा जैसा मेरिन मछली है, उसका भी हैबिटेट ऑल्सो उसको कैसे करना होगा, वो मेंटेन करना हम लोग को कुछ पूरा कुछ दिखाता है। इसके अलावा और भी खाना का कैसे होना चाहिए, कौन सा खाना अच्छा होगा वो दिखाना है, फिर वो लाइव फीड होगा तो उसको कैसे कल्चर करा जाए, उसको खाना तो खिलाना है वो करना होगा, और उसको जब फिर नेचर से हम लोग इधर करके जब ये मैं कुछ आर्टिफिशियल सीमेंट सिस्टम और किसी भी रखना है तो उस टाइम कलर का भी थोड़ा सा घट जाता है, इसीलिए वो कलर को कैसे मेंटेन करा जाए, और नहीं तो उसको इसके एनहेंस करा जाए, उसी हिसाब से हम लोग को फीड भी फॉर्मुलेशन करके देते हैं। तो ये सब कुछ हम लोग यहाँ चर्चा करने के लिए, और कभी जो बीमारी आता है कम से कम बीमारी का कौन सा बीमारी है, वो कौन सा बीमारी का क्या दवाई होना चाहिए, और दवाई भी पता हो गया, दवाई को कैसे देना है, क्योंकि ये तो एक्वाटिक सिस्टम है, वो जैसे कैसे ट्रीटमेंट करना है उसका सब कुछ, ये यहाँ के एक कम से कम बेसिक इसको कर लेता है। कोई कोई ऐसा भी लोग है, मतलब आप सोचिए कि मछली को प्रॉब्लम हो गया है, कुछ भी मेडिसिन डाल देते हैं, उसको मेडिसिन का पता भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जाने से आपको वही फायदा होगा कि एक मछली में क्या होगा हुआ है, सर के वहाँ पे वही रिसर्च चलता है, वही आपको पूरा जानकारी देगा। यहाँ पे आप अगर ट्रेनिंग लेंगे या कुछ भी करेंगे, इन लोगों से कांटेक्ट रखेंगे तो आपका बहुत फायदा होगा, मगर ऐसे आप फोन में कांटेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना पड़ता है, ठीक है। फोन में ऐसा कुछ काम नहीं होता है, कोई भी पूछ लेगा मुझसे कि ये प्रॉब्लम हुआ है क्या खिलाऊं, कोई भी ऐसा बोल देगा कि हाँ वो खिला दो मछली वीक हो गया ना ठीक हो जाएगा, मगर ये कुछ फायदा नहीं इसमें, ठीक है। मछली का क्या हुआ है वही तो मेन जानना है ना।
अगर मछली के बारे में आपको मछली उसको फार्मिंग करना है तो उसका पूरा जानकारी आपको रखना होगा कि उसको क्या डिसीज हो रहा है, क्या देना होगा। कोई भी मछली को कुछ भी फूड देने से वो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। मछली को वो मछली कौन से फूड में, किसी किसी मछली कोई कोई आइटम है जिसको कैल्शियम ज़्यादा चाहिए, कोई कोई मछली है जिसको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। वो क्या होता है, मछली तो ऐसा ही है जो हम लोग जैसे बात कर सकता, हमारा क्या चाहिए, कौन सा खाना चाहिए, कौन सा अच्छा होगा, बीमारी होने से हम लोग बताते हैं हम लोग। लेकिन ये मछली को पूरा हमको ये करना होगा, वो कैसे इसको जाँच करना है, वो सीख है कि नहीं है, अगर है तभी कौन सा बीमारी हुआ, कौन सा बीमारी का कौन सा दवाई हुआ, फिर दवाई में जैसा कोई अगर ये बैक्टीरियल डिजीज होगा कौन सा एंटीबायोटिक और कुछ जो जो हम लोग देंगे उसका भी एक हिस्सा है। अगर कुछ भी हम लोग डाल देता उसमें क्या होता, वो मछली का बीमारी तो ठीक नहीं होता, उससे उल्टा हो जाता, रेजिस्टेंस हो जाता। इसीलिए हमको जो कुछ करना है कम से कम जानकारी के करने से वो ठीक होगा। इसीलिए वो जैसा है ऐसा हमारे भी जैसा देखा जाए बहुत जैसा विदाउट नोइंग उसको हम लोग क्या करता, कोई भी चीज़ हम लोग डाल देता, उसमें डोज भी ज़्यादा भी हो सकता, कोई भी अंडर भी हो सकता। ज़्यादा होने से क्या होगा, उसमें तो वो मछली भी मर जाएगा, और अगर कम होने से उसका क्या होता, वो पैथोजन होता डाई नहीं होगा, उसमें क्या होता उन लोग को रेजिस्टेंस हो जाता है। इसीलिए हमको सबको जानकारी क्या करने से वो अच्छा है। इसीलिए हम लोग का जो CIFP कोलकाता में हम लोग जो इसको ट्रेनिंग देता है उसका सब चीज़ को जैसे साइंटिफिकली कैसे रियरिंग करा जाए उसी हिसाब से हम लोग उसको। सर अभी वाइल्ड आइटम पे भी रिसर्च कर रहा है, बहुत सारे मछली का जो वाइल्ड है इंडियन जो मछली विलुप्त तो है। वो जो एक्चुअली जैसा बहुत सारी मछली है जो रेयर आइटम है, एंड स्पेशली यू नो हम लोग का जो कलकत्ता सेंटर है वो नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा नज़दीक में है, और नॉर्थ ईस्ट एकदम ऑर्नामेंटल फिश के बारे में बहुत एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। नेटिव ऑर्नामेंटल फिश हमारा मोर देन 80% फिश वो नॉर्थ ईस्ट से कलेक्शन होकर के बाहर में जाता है। ये मछली को हम लोग कैसे खाली वाइल्ड कलेक्शन का हम लोग मदद नहीं करता, वो मछली को कलेक्ट करके हम लोग को पूरा उसका बारे में रिसर्च करता है, उसका कैसे ब्रीडिंग करा जाए, उसका खाना कहना होना चाहिए, कैसे उसका है टोटल, उसका टोटलिटी में उसको एक्लिमेटाइजेशन, डोमेस्टिकेशन, उसका खाना के बारे में, उसका हैबिटेट रिक्वायरमेंट का मतलब कैसे, कुछ मछली जैसा है चाना ग्रुप का जैसा है उसको एक हाइड आउट देना है, नहीं तो क्या होगा जहाँ रेयरिंग करेंगे वो हाइड्रेट नहीं होने से वो थोड़ा मछली तो ट्रेस में सीक हो जाएगा, इसीलिए वो करना पड़ता है। जैसा उसका खाना का भी, उसका खाना का अलग है, वो जैसा है कोई जैसा गोरा भी उसका रिक्वायरमेंट अलग है, तो हर एक ऐसा इंडिजिनस फिश को अब बिहेवियर स्टडी करना पड़ता है, उसको खाना का बारे में प्रेफरेंस भी चूज करना होता है। ऐसा ये हमारे जैसा एक्जोटिक ऑर्नामेंटल वो तो हमारा ऑलरेडी अवेलेबल लिटरेचर है, वो हम लोग देख देख करके नॉलेज से कोई यूट्यूब से कोई नेट से हम लोग ले लेता, लेकिन इंडिजिनस का इतना तो काम नहीं हुआ। हम लोग खाली कलेक्ट करके जो हम लोग मछली बिक्री करता है उसका बारे में हम लोग को चर्चा करके वो कैसे बढ़ा जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करा जाएगा, दैट व्हाट वी आर डूइंग हियर। ठीक है, लास्ट में मैं और एक बात बता रहा हूँ, ये जो सर है ठीक है, ये और मतलब प्लेट फिश जो है खाने वाला मछली उसका भगवान, ठीक है, यही मैं बता रहा हूँ। और मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।